हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम करेंगे हरियाणा जीके, और ये हरियाणा जीके की वीडियो तीसरी है। दो वीडियो इससे पहले आ चुकी है, उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे है तो जाके देख सकते हो। और जो मैं ये हरियाणा जीके कराऊंगा, ये सीईटी का जो मेन्स का सिलेबस है ना, उसी पे बेस्ड होगी। आपको पता है जो हरियाणा जीके की वेटेज है वो 20% है, यानी 20 नंबर के करीब हरियाणा जीके आएगी। तो दोस्तों, जो ये वीडियो है इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे, और आपको इसको एज ए प्रैक्टिस ले सकते हो। इसमें मतलब आपको अगर क्वेश्चन याद है ना याद है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको एज ए प्रैक्टिस मानिए। और ये सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो मोस्ट रिलीवेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच में हरियाणा में कौन सा युद्ध लड़ा गया? दोस्तों, हरियाणा में पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। जो तीसरा युद्ध था ना, वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, आम से आ से अहमद शाह अब्दाली और मैं से मराठे। और इसमें जो जिसकी जीत हुई थी वो अहमद शाह अब्दाली की हुई थी। और ये जो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया था दोस्तों, इसका आंसर था पानीपत का तीसरा युद्ध। दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है, हरियाणा के मध्य में स्थित हृदय हरियाणा कौन सा नगर है, यानी हार्ट ऑफ हरियाणा के नाम से कौन सा डिस्ट्रिक्ट को जाना जाता है? तो दोस्तों, ये हरियाणा का मैप है, और जो ये बिल्कुल सेंटर में है ये जींद है। तो जींद को ही हरियाणा का हार्ट कहते हैं, और इसका कारण भी यही है क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर में है। तो इसका आंसर था जींद। तो दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन है, श्री कृष्ण संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, ये जो श्री कृष्णा म्यूजियम है तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये है कुरुक्षेत्र में, और ये 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर आप को कुरुक्षेत्र के आसपास के हो तो इसको पता होगा आपको इस बारे में। दोस्तों, ये श्री कृष्णा म्यूजियम है, काफी अच्छी अच्छी और पुरानी चीजें इसमें रखी गई है। तो ये कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में, और आपको ये सन भी याद रखनी है, 1987। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के किन 2 जिलों में विशेष पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की गई, यानी जो इन्वायरमेंट रिलेटेड कोर्ट है ना, वो किन 2 डिस्ट्रिक्ट में है? तो वो है फरीदाबाद और हिसार में। तो आपको ये याद फैक्ट है, याद रखना है, फरीदाबाद और हिसार। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र यानी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI, दोस्तों NDRI करनाल में स्थित है, जो तो करनाल डिस्ट्रिक्ट है। तो वहां पे 1955 में आया था ये, उससे पहले ये मतलब इसका नाम था ना वो इंपीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट था इसका। जब ये करनाल में शिफ्ट हुआ तो इसको नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा गया, यानी इसको NDRI के नाम से जाना गया। और ये जो करनाल में जब शिफ्ट हुआ था तो वो सन थी 1955। तो आपको ये 1955 भी याद रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, और ये भी याद रखना ये कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है, करनाल में। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूटते बंधन उपन्यास के लेखक कौन है? दोस्तों, टूटते बंधन उपन्यास हेमराज निर्गम द्वारा लिखा गया था। तो आपको ये क्वेश्चन भी बार बार काफी एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो हेमराज निर्गम का रचित उपन्यास है टूटते बंधन। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, यानी जो हरियाणा लोकपाल अधिनियम था वो कब लागू हुआ? तो दोस्तों, जो 2003 में ये लागू हुआ था, और जो मतलब इसका पूरा नाम है ना वो हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम 2002 है। ये 2002 में तो बना था, लागू कब हुआ था? 27 जनवरी 2003 को। मतलब हरियाणा में करप्शन को खत्म करने के लिए ये चीज लाई गई थी। और जो हमारे रिटायर्ड जज थे प्रीतम पाल सिंह, हरियाणा के पहले लोकायुक्त बने थे ये प्रीतम पाल सिंह। ये जस्टिस थे, मतलब रिटायर्ड थे हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट से। तो इसका राइट आंसर क्या था? 2003, यानी ये बना था 2002 में और लागू 2003 में हुआ था। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1937 में हरियाणा में पहली कपड़ा मिल किस स्थान पर स्थापित की गई, यानी जो पहली कपड़ा मिल थी हरियाणा में 1937 में लगी थी, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। तो ये कहाँ पे बनी थी? दोस्तों, ये भिवानी में थी 1937 में। और जो इस कपड़ा मिल का नाम था वो था ग्रोसिम कपड़ा मिल, और ये हरियाणा की पहली कपड़ा मिल थी। तो काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में पहला कपड़ा
कागज का कारखाना किस स्थान पर लगाया गया है, वह कब लगाया गया? दोस्तों जो हरियाणा मतलब पेपर मिल, जो हरियाणा का पहला पेपर मिल है वो कहाँ पे लगाया गया था? तो वो लगाया गया था यमुनानगर में। यमुनानगर मतलब ये जगाधरी, जगाधरी जो जगह है वो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में आती है। तो ये 1939 में पहला पेपर मिल हरियाणा में लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारकंडा नदी के द्वारा बनाए गए बाट के मैदान को क्या कहा जाता है? यानी जो मारकंडा नदी है, शाहबाद मारकंडा के आसपास, मारकंडा नाम से मतलब शहर भी है। तो ये जो नदी है बाट के मैदान को क्या कहते हैं, जो ये नदी बनाती है, तो उसको बोलते हैं एलुवियल, यानी जो अपनी मिट्टी का नाम भी, एक मिट्टी का प्रकार है ये, एलुवियल सोयल बोलते हैं, या फिर कछारी भी बोल सकते हो आप इसको। तो जो ये डिस्ट्रिक्ट कवर करती है, अंबाला यमुनानगर कुरुक्षेत्र के आसपास का एरिया कवर करती है, तो आपको याद रखना है इसको क्या बोलते हैं, एलुवियल या फिर कछारी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करनाल में स्थित झील का क्या नाम है? यानी जो करनाल में झील है उसका क्या नाम है, कर्ण झील, तिलियार झील, बड़खल झील या फिर टिक्कर ताल? तो दोस्तों आपको बताना था जो करनाल में है, करनाल में है वो कर्ण झील है। आप ऐसे डायरेक्टली याद हो जाता है ये कैसे करण और कैसे करनाल। तो दोस्तों ये बाकी झील है तिलियार झील, तिलियार झील कहाँ पे है, रोहतक में। और टिक्कर ताल, टिक्कर ताल है पंचकूला, पंचकूला है मोरनी से थोड़ी सी आगे है ये टिक्कर ताल, तो वहां पे ये झील है। और बड़खल झील, बड़खल ये कहाँ पे है, फरीदाबाद में। आप ऐसे याद रख सकते हो, बड़ी खड़, बड़ी खड़ फ्री में मिलती है हमें, तो ये फरीदाबाद में है। तो ये चारों झील इंपॉर्टेंट थी, आई होप आपको याद हो गई होगी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 70 फार्मूला कब लागू हुआ? 1949, 1950, 1951 और 1956। दोस्तों 70 फार्मूला लागू हुआ था 1949 में, 1 अक्टूबर 1949 में। ये जो पंजाब के सीएम थे भीमसेन सत्सर, उनके द्वारा लागू किया गया था, भीमसेन सत्सर। तो ये मतलब असफल रहा था ये फार्मूला, काफी ज्यादा नहीं चला था। अगला क्वेश्चन है, चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क कहाँ स्थित है? दोस्तों ये भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो मतलब इनका कोई तरीका नहीं, आपको याद ही रखना है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे याद रखते हो। तो ये जो चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क है ना, ये यमुनानगर में स्थित है। इसको रुद्राक्ष वाटिका के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो रुद्राक्ष वाटिका आपको एग्जाम में ऐसे भी मिल सकता है, रुद्राक्ष वाटिका कहाँ है, तो ये भी यमुनानगर में है, और इसको चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली, लखनऊ, करनाल और कानपुर। तो दोस्तों आपको बताना था, गेहूं का जीन बैंक हमारे करनाल में है, और जो मतलब मेन इंस्टीट्यूट है वो डायरेक्टोरेट ऑफ वीट रिसर्च यानी DWR है, उसके अंडर में आता है ये जो गेहूं का जीन बैंक है, तो ये हमारे करनाल में है। एक क्वेश्चन मैंने आपको और भी बताया था, जो NDRI नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, ये भी करनाल में है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची? तो आपको बताना था मेट्रो हरियाणा में किस शहर में पहुंची, अब तो बहुत शहरों में पहुंच चुकी है, तो जो सबसे पहले पहुंची थी वो है गुरुग्राम। मतलब जो पहला मेट्रो स्टेशन है ना वो रैपिड मेट्रो गुरुग्राम लिमिटेड, RMGL, RMGL के द्वारा बनाया गया था पहला मेट्रो स्टेशन। तो हरियाणा में मेट्रो सबसे पहले गुरुग्राम में आई थी। अगला क्वेश्चन है, नवग्रह कुंड के कारण हरियाणा के किस शहर को छोटी काशी कहा जाता है? दोस्तों अगर हरियाणा की काशी की बात की जाए, छोटी काशी, तो मतलब ये दो क्वेश्चन आते हैं, एक तो नवग्रह कुंड के कारण हरियाणा किस शहर को छोटी काशी कहते हैं, तो नवग्रह कुंड आ जाए तो वहां पे कैथल आएगा, क्योंकि तो यहाँ पे पांडवों ने शिव की आराधना की थी। मतलब जो नवग्रह कुंड जगह है यहाँ पे पांडवों ने शिव की आराधना की थी, इसलिए इसको छोटी काशी कहते हैं। अगर आपको डायरेक्ट पूछा जाए हरियाणा की काशी, तो वहां पे भिवानी आएगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के खेल मंत्री कौन है? रणजीत चौटाला, अनिल विज, संदीप सिंह और या फिर दिग्विजय सिंह? तो दोस्तों ये हमारे खेल मंत्री जो हरियाणा के है, इन दिनों काफी चर्चा में है। तो जो हरियाणा के खेल मंत्री है वो संदीप सिंह है, और ये पूर्व हॉकी खिलाड़ी है, मतलब हॉकी के अपने टाइम के चैंपियन है,
तो ये अब हरियाणा के खेल मंत्री है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है रणजीत चौटाला, तो ये मतलब किस विभाग के मंत्री है, तो ये है बिजली विभाग के। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, तो आपको ये तीन जगह दे रखी थी, तो इनकी जो खास बात थी उसके साथ मैच करना था, राखी गढ़ी कुणाल और बनवाली। तो दोस्तों राखी गढ़ी क्या है, सबसे बड़ा सिंधु घाटी, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी का सबसे बड़ा सतल है, और बनवाली में क्या हुआ था, जुता हुआ खेत है। तो दोस्तों ये है राखी गढ़ी हिसार में पड़ता है, कुणाल और बनवाली ये फतेहाबाद में, ये भी इम्पोर्टेंट है किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो बनवाली जुता हुआ खेत है और कुणाल फतेहाबाद में, रीगल क्राउन बोलते हैं इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सूफी संत भू अली शाह कलंदर का जन्म हुआ, यानी आपको शहर का नाम बताना था, तो सूफी संत थे भू अली शाह, उनका जन्म कहाँ हुआ। दोस्तों उनका जन्म हुआ था पानीपत में, और जो चिश्ती संप्रदाय था ना, चिश्ती संप्रदाय, इसकी स्थापना शेख फरीद ने की थी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार रिपीट होता ही है। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना शेख फरीद ने की थी, और जो ये भू अली शाह थे ये चिश्ती संप्रदाय से ही बिलोंग करते थे, और मतलब ये देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है, 122 साल की उम्र में इनका देहांत हुआ था, काफी लंबा जीवन इन्होंने व्यतीत किया। तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, पानीपत से। अगला क्वेश्चन है दुष्यंत चौटाला किस विधानसभा सीट से जीत कर आए हैं। दोस्तों जो हरियाणा की डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला, तो वो किस विधानसभा सीट से जीत के आए थे, तो आपको बताना था, तो ये है उचाणा, उचाणा सीट से जीते थे। काफी चर्चित सीट है ये हरियाणा की राजनीति में, और ये जींद डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। अगर लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो कहाँ है, हिसार। अगला क्वेश्चन है हरियाणा की राज्य विधानसभा धन विधेयक किसकी पूर्व मंजूरी से पेश किया जाता है। दोस्तों जो मनी बिल होता है ना, मनी बिल इसको धन विधेयक बोलते हैं, मनी बिल है ना, मतलब अगर कोई बिल मनी बिल है या फिर वो नॉर्मल बिल है, तो इस बात का फैसला जो हरियाणा के स्पीकर होते हैं ना वो करता है, यानी कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका फैसला स्पीकर करता है, लेकिन प्रस्तुत राज्यपाल की मंजूरी से होता है। यानी आप जो विधानसभा उसमें जो बिल पेश होगा उसके लिए हमें राज्यपाल की परमिशन लेनी होती है, लेकिन ये बिल मनी बिल है या नहीं है इसका फैसला हमारे विधानसभा स्पीकर करेंगे। और जो करंट में विधानसभा स्पीकर है कंवर पाल, अभय चौटाला के साथ इनकी खास वार्तालाप होती है, आपने अगर वीडियो देखे हैं। तो दोस्तों ये थे, अगला क्वेश्चन है हरियाणा में स्थित यादवेंद्र गार्डन के डिजाइनर कौन थे। दोस्तों जो यादवेंद्र गार्डन है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है ये कहाँ पे है, तो ये है पिंजौर में, और जो इसके डिजाइनर थे वो थे नवाब फिदाई खान। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है, नवाब फिदाई खान पिंजौर है ना, जो मतलब पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो यादवेंद्र गार्डन कहाँ है, अगर पिंजौर दे रखा तो आप पिंजौर टिक करेंगे, अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा तो पंचकूला। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र कहाँ पे है। दोस्तों जो दरी का विशेष कारखाना है वो पानीपत में है, पानीपत को बुनकरों का शहर भी कहते हैं, मतलब जो ज्यादातर कपड़े बनते हैं ना पानीपत में ही बनते हैं, कंबल वगैरह दरी वगैरह, तो काफी ज्यादा हब है इस टाइप की फैक्ट्री का, तो इसका आंसर क्या था, पानीपत। अगला क्वेश्चन है हरियाणा सरकार द्वारा दिया जाने वाला उच्चतम खेल पुरस्कार कौन सा है। ऑप्शन थे भीम अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, एकलव्य पुरस्कार, या फिर नोन ऑफ द अबव। दोस्तों जो हाईएस्ट बिगेस्ट अवार्ड है, इंडिया की बात करूं तो पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, लेकिन अब इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया, जो इंडिया की बात की जाए तो सबसे बड़ा पुरस्कार है, लेकिन हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, भीम अवार्ड। तो इसका आंसर क्या था, ऑप्शन ए। तो
बीम अवार्ड में शुरू में 5 लाख का कैश प्राइस था, लेकिन अब क्या कर दिया है, प्रति माह 5,000 रुपए दिए जाते, इसमें पेंशन कर दी सरकार ने। अगला क्वेश्चन है तिरिया के मजमून। दोस्तों उपन्यास बेस्ड सेकंड क्वेश्चन है ये। तिरिया के मजमून किसने लिखा था, ये अल्लाबख्श, अमीर खुसरो, उमराव जान या फिर अल्ताफ हुसैन हाली। तो तिरिया के मजमून अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखा था। अल्ताफ हुसैन हाली की रचनाएं बार बार एग्जाम में रिपीट होती है और पूछी जाती है। तो ये हरियाणा के पानीपत से बिलोंग करते और उर्दू के कवि थे। देखो कितने क्वेश्चन बन गए यहाँ से। तो अल्ताफ हुसैन अली कहाँ से बिलोंग करते हैं, पानीपत से, और ये उर्दू के कवि थे। और एक जो जो ये रचना पूछी गई थी तिरिया के मजमून, तो ये किसने लिखी थी, अल्ताफ हुसैन हाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा गजपत सिंह द्वारा 1775 में बनाए गए किले का नाम क्या था। दोस्तों देखो ये किला है, अगर आपने देखा है कभी तो ये किला जींद का किला है, और ये राजा गजपत सिंह ने 1775 में बनाया था। अगर आप जींद के आसपास गए तो इस किला को जरूर देख के आइए। दोस्तों जींद का किला था जो इसका आंसर था। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कौन बने हैं, यानी जो हरियाणा के गवर्नर है, प्रेजेंट गवर्नर है। तो ये हरियाणा के करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। हरियाणा के जो प्रेजेंट गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय, काफी हरियाणा वालों के लिए काफी अजीब सा नाम है ये, बंडारू दत्तात्रेय। और जो ये बिलोंग करते हैं ये आंध्र प्रदेश के निवासी है, मतलब ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं और हरियाणा के प्रेजेंट गवर्नर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है चरखी दादरी के किस गांव की पहाड़ियों में मनरेगा के तहत झील बनाने का फैसला लिया गया। यार झील से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कोटला झील किस डिस्ट्रिक्ट में है। और जो ये अपना क्वेश्चन है चरखी दादरी के कौन से गांव में मतलब झील बनाने का फैसला लिया गया, तो ये है कादमा, कादमा गांव में हरियाणा सरकार ने झील बनाने का फैसला किया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, यानी जो ये आयुर्विज्ञान की यूनिवर्सिटी है, तो हमें बताना है किस डिस्ट्रिक्ट में बनाई जा रही है, तो ये है करनाल में। दोस्तों अगर कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की बात की जाए तो भी कहाँ पे है, करनाल में, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज ये भी करनाल में। और अगर मैं आपको बोलूं कि रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, जींद में। और जो सिरसा में यूनिवर्सिटी है वो है टी डी एल यू, टी डी एल यू चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी। तो ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के 30 हरियाणा जीके से रिलेटेड क्वेश्चन, और ये सभी क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो हरियाणा जीके से रिलेटेड 2 वीडियो और डाली है मैंने, और आगे भी ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते रहेंगे। तो दोस्तों बने रहे हमारे चैनल के साथ, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे दूसरे सेशन भी जाकर देखिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।